जो हमारी घुगुस की जनता है, वो लोग जो गरीब लोग हैं जो गवर्नमेंट रुग्णालय आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इनको इलाज कराने के लिए ढेर सारे टाइम लग जाता है। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उसको एक तो सहन नहीं होता, साथ में जब उनको पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, मेडिसिन दवा लिखा जाता है, तो दवा भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हमने यहाँ पर डॉक्टर मैडम को मिले, डॉक्टर कुंडू मैडम ने बोले कि हमने रिक्वायरमेंट मेडिसिन का किया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट मेडिसिन किया 100% में 10% मेडिसिन मिल रहा। हमारी गौर गरीब गुगुस जनता को ये गवर्नमेंट रुग्णालय एक मंदिर जैसा है, जो बेचारे गरीब गोर या दिहाड़ी मजदूर या सभी रहते उनको त्रस्त हो रहा, वो बार बार कांग्रेस ऑफिस में और कंप्लेंट हो रहा। इसलिए आज हम लोग चंद्रपुर DHO साहब को मिलेंगे और गुगुस के अंदर में जो भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कर देने का मांग करेंगे। अगर नहीं करेगा उपलब्ध तो अन्यथा हम तीव्र आंदोलन कांग्रेस तरफ से करेंगे। चंद्रपुर जिल्ह्यातला औद्योगिक शहर तसेच मिनी इंडिया म्हणून प्रसिद्ध असलेला आमचा हा घुगुस शहर हा कामगारांचा, कष्टकऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा शहर आहे, गोरगरिबांचा शहर आहे। या ठिकाणी असलेल्या सरकारी रुग्णालयात आज औषध उपलब्ध नाही। येथील प्रसूतीगृहाची परिस्थिती इतकी दयनीय आहे की जागोजागी धुळीने हा संपूर्ण दवाखाना माखलेला आहे। रुग्णाला पिण्याचं पाणी नाही, टॉयलेटची योग्य व्यवस्था नाही, अशा भीषण परिस्थितीत हा संपूर्ण दवाखाना केवळ रामभरोसे अवस्थेत सुरू आहे। नागरिकांच्या प्रचंड तक्रारीनंतर आज गोकुळ शहर काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष राजूभाऊ रेड्डी यांच्यासह आम्ही दवाखान्याचं निरीक्षण केलं। ही परिस्थिती भयंकर आहे आणि नागरिकांच्या आणि रुग्णांच्या जीवनाशी खेळ केला जात आहे, ज्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। आणि येणाऱ्या दिवसात ही परिस्थिती जर सुधरली नाही तर गोकुळ शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे आरोग्यांसाठी तीव्र स्वरूपाचा लढा उभारण्यात येणार आहे।